आइए देखते हैं आज की धार जिले की बड़ी खबर की ओर, जिसमें धार जिला जेल से आज दो कैदियों के फरार होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें चाकूबाजी और बलात्कार के दो आरोपी जेल की 20 फीट ऊंची दीवार कूदकर भागने में कामयाब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी का मुलजिम अनुपिता ठाकुर निवासी धार और बलात्कार की सजा काट रहा आरोपी नरसिंह पिता कालू सिंह डावर निवासी गंधवानी जिला धार ने आज सुबह लगभग 10:30 बजे कंबल आपस में बांधकर लोहे की छड़ के सहारे फंदा बनाकर दीवार पर लटकाया और दीवार फाड़ने में वे सफल हो गए। जैसे ही इस बात की भनक जेल प्रहरियों को लगी तो उन्होंने तत्काल ही जेल अधीक्षक को सूचना दी और अपने स्टाफ को कैदियों को ढूंढने में लगा दिया। साथ ही पुलिस में भी सूचना दे दी गई है। धार पुलिस कोतवाली ने भी जेल के आसपास घेराबंदी कर फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद जेल प्रहरी और पुलिसकर्मियों द्वारा जिला जेल से लगभग 2 किलोमीटर दूर नए आरटीओ कार्यालय के पीछे कैदियों को धर दबोचा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेल अधीक्षक ने कैदियों की फरारी के दौरान ड्यूटी दे रहे दो जेल प्रहरियों सीताराम पटेल और मुकेश सोलंकी को तत्काल निलंबित भी किया है। साथ ही फरार कैदियों के संबंध में थाना कोतवाली में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। सुबह जिला जेल धार से दो कैदी अन्नू उर्फ अनिल, पिता ठाकुर, उम्र 22 साल, जाति भील, निवासी किले के नीचे बस्ती नौगांव थाना धार, ये 26/2/2019 को जेल आया था 25 आर्म सेक्ट के तहत। वर्तमान में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था धार जेल में। और दूसरा है नूर सिंह, पिता बालू, जाति भिलाला, उम्र 19 साल, निवासी खरवेड़ी थाना गंधवानी जिला धार, ये 376/366 पोस्को एक्ट की धारा विभिन्न धाराओं में बंद था। ये आज सुबह लगभग 10:30 के लगभग ये दोनों बंदी जेल स्टाफ को चकमा देके दो चादरों में छड़ बांधकर दीवार में फंसाया इनने और फरार होने की घटना को अंजाम दिया इनने। इसमें हमारे स्टाफ है हवलदार के रूप में सीताराम पटेल और तत्कालीन वहाँ पे पॉइंट पे ड्यूटी पर तैनात प्रहरी कांस्टेबल मुकेश सोलंकी की लापरवाही पाई जाती है। इनको तत्काल प्रभाव से हम निलंबित करते हैं और अभी इनके खिलाफ कोतवाली थाना में कायमी फरारी के संबंध में कायमी कराई जा रही है। साथ ही हमने अपने महानिदेशक जेल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कर दी है और शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो जैसे कि कितने घंटे लगे इनको पकड़ने में और पुलिस का क्या योगदान रहा? लगभग 1 घंटे का घटनाक्रम रहा ये, 10:30 के लगभग ये गए, 11:30 के लगभग दोनों को बरामद कर लिया गया। इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही कैदियों को दोनों को गिरफ्तार करवाने में। इन्होंने अथक परिश्रम किया, कैदियों को ट्रेसिंग ग्राउंड के पास आरटीओ ऑफिस के पीछे से बरामद किया गया दोनों को। और इसके साथ साथ कोतवाली का स्टाफ और पुलिस का जो भी स्टाफ के सहयोग से इन दोनों को पकड़ लिया गया। अभी जेल की दीवार की ऊंचाई कितनी है? इन्होंने चादर फेंकी तो क्या पीछे अटकने जैसा कोई साधन था? क्योंकि एक आदमी नहीं, नहीं, नहीं अटकने का तो इनने छड़ छड़ को ऐसे बनाया जी, उसके बाद इनको दोनों सेब में ऐसे और ऐसे बनाया, उसके बाद एक कोना इस तरफ चादर दो चादरों से बांधा और एक दीवार पे फंसाया, उसके बाद ये दीवार फाद गई, दीवार के चढ़ के दीवार कवर कर बिल्कुल। सुबह लगभग 10:45-11 बजे के आसपास नूर सिंह और अज्जू, नूर सिंह भील है ये गंदवानी का है और अज्जू जो है ये भी भील समाज का है और ये कोतवाली से आर्म सेक्ट में गया है। नूर सिंह जो है वो 376 में जेल में था। तो सवेरे ये लोग जो है कुछ एक ऐसा सिस्टम बना करके दो चादर बांध करके उसके ऊपर लोहे की सरिया की हैकड़ी बना करके दीवार में लगाया और वहाँ से जो है ये लोग निकल के भाग गए थे। जेल अधीक्षक धार को जैसे ही सूचना मिली उनने अपने स्टाफ को उनके पीछे लगाया, हम लोगों को भी सूचित किया। तो जेल का स्टाफ और पुलिस के हमारे CSP दोनों तीनों TI RI सब लोगों ने मिल करके घेराबंदी करके उनको बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और
कोतवाली में जो है अभिरक्षा से फरार होने का मामला जो है दर्ज कराया जा रहा है और इसमें आगे विधि सम्मत कार्रवाई।